कानपुर के सरकारी दफ्तरों में पैरों तले रौंदा जा रहा है प्रदेश सरकार का आदेश। कानपुर के श्रमायुक्त ऑफिस में घोर अंधेर गर्दी दिख रही है। श्रमायुक्त ऑफिस में सरकारी अफसर समय से नहीं पहुंच रहे। सुबह 9 बजे से सरकारी ऑफिस में पहुंचने का आदेश है। अपर श्रमायुक्त राजेश मिश्रा भी समय से नहीं पहुंचते हैं ऑफिस। सभी अधिकारियों के दफ्तर में सुबह 9:45 तक ताला लगा हुआ रहता है, जबकि बोर्ड पर ऑफिस खुलने का, दफ्तर खुलने का वक्त सुबह 9 बजे का लिखा हुआ है, लेकिन सुबह 10:45 कोई अधिकारी नहीं आते और कुर्सियां खाली रहती हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ऐसे में कानपुर के इन अधिकारियों की हीला हवाली आप बखूबी समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी विभागों को एक आदेश जारी किया था कि सारे अधिकारी जो सरकारी ऑफिस हैं वो सारे जो हैं सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। वहां पे अधिकारी पहुंच जाएंगे। आप देख सकते हैं उस समय आयुक्त कानपुर क्षेत्र कानपुर नगर के मिलने का समय सुबह 9 बजे से 11 बजे, लेकिन ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे कि ये दरवाजा अंदर से बंद है, अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर ये बगल में कार्यालय है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्यालय में आंसू लिपिक हैं जो श्रीमती रूपसी वाजपेयी चंद्रशेखर पटेल। चंद्रशेखर पटेल के बारे में बताता हूँ कि अभी चंद्रशेखर पटेल इसी महीने में वो उनको जो है बिजनेस ने घूस लेने के मामले में गिरफ्तार किया है, अभी भी वो जेल में है। यहाँ का हालात आप देख सकते हैं कि अंदर पूरा का पूरा रूम खाली पड़ा हुआ है। ये देख सकते हैं कि पूरा रूम खाली पड़ा हुआ है। यहाँ का जो उप श्रम आयुक्त का ऑफिस है वो भी पूरी तरीके से आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर उप श्रम आयुक्त साहब मौके पर नहीं है। लाइटें जल रही हैं, पंखा चल रहा है, उसके साथ आप घड़ी पे देख सकते हैं उनके यहाँ जो घड़ी का टाइम है वो 9:45 हो रहा है। 9 बजे से अधिकारियों को बैठने का समय था। जब बड़े अधिकारी नहीं होंगे तो कर्मचारी तो पूरी तरीके से ही नदारद रहेंगे। साथ ही साथ आपको दिखाना चाहूंगा कि उप श्रम आयुक्त का जो पूरा कार्यालय है, यहाँ पर पूरे के पूरे जो अधिकारी हैं वो सारे लोग यहाँ पे ऑफिस से नदारद हैं। टाइम 9:45 का हो चुका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सर्वेश कुमारी श्रम सहायक श्रम आयुक्त हैं, इनका भी रूम देख सकते हैं कि आप इनके भी रूम में कोई नहीं है। यहाँ पर पूरा रूम खाली पड़ा हुआ है। यहाँ का जो रूम आपको दिखाते हैं कि ये पूरा रूम आप देख सकते हैं कि खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर ये नहीं है। इनकी भी घड़ी में आप देख सकते हैं कि इनकी घड़ी में 9:40 दिखा रहा है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर और भी जो है सहायक श्रम आयुक्त हैं उनके भी रूम बंद पड़े हुए हैं। मतलब पूरी तरीके से सरकार को धता बताते हुए ये अधिकारी बिल्कुल पूरी तरीके से बेबाक हैं। जैसे कि पिछली सरकार में बेबाक थे तो उसी सरकार इस सरकार में भी आपको देख सकते हैं पूरी तरीके से बेबाकी तरीके से नजर आ रहे हैं। यहाँ पे कोई भी अधिकारी नहीं दिख रहा। अमित कुमार मिश्रा हैं सहायक श्रम आयुक्त हैं, उनके भी रूम की कुंडी लगी हुई है। यहाँ पर RP तिवारी हैं सहायक श्रम आयुक्त हैं, उनके भी रूम की आप देख सकते हैं कि कुंडी लगी हुई है। साथ ही साथ गोविंद यादव हैं यहाँ पे सहायक श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश, उनका भी रूम का ताला ही बंद है। ये आपको दिखा सकते हैं नज़ारा कि 9:45 हो रहा है, 9:45 हो रहा है, पूरी जगह ताला बंद है। यहाँ पे फरियादी आते हैं, चक्कर लगाते हैं, लेकिन अधिकारी भी यहाँ पे कोई नजर नहीं आते हैं। ऐसे में इन अधिकारियों जो वो आते हैं फरियादी आते हैं उनका कौन सुनने वाला, घंटों घंटों फरियादी जो है अधिकारियों का इंतजार करते हैं। सबसे बड़ी बात देखने वाली बात ये है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की जब सरकार बनी थी तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश दिया था कि अधिकारी 9 बजे ऑफिस पहुँच करके वहाँ पर फरियादियों को सुनेंगे। ऐसे में इस सरकार में आप देख सकते हैं कि अधिकारी कितना बेअंदाज हो चुका है। 9:45 पे हो जाने के बाद भी अपने कार्यालय नहीं पहुंचे हैं। क्या माना जाए कि ऐसे में योगी सरकार इन पे कितनी बड़ी कार्रवाई कर सकती है, ये तो अब देखने वाली बात होगी। कैमरामैन पे पांडे के साथ अश्विनी निगम, कानपुर, समाचार प्लस। और अश्विनी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़े हुए। अश्विनी, मुझे याद आ रहा है वो फैसला, वो आदेश योगी सरकार का, जब उन्होंने कहा था कि सुबह 9 से 10 अधिकारियों को अपने दफ्तर में मौजूद रहना होगा, लेकिन अधिकारियों को योगी का आदेश कतई मानने को तैयार नहीं है अधिकारी।
बिल्कुल कैसे आप अंतम बताएं, आपको कैमरा कभी छूट नहीं बोलता है। लगातार सब आयुक्त से शिकायतें मिल रही थी, लोगों की शिकायतें आ रही थी कि वहां पे फरियादी आते हैं और सुबह तक चक्कर लगाते हैं, वहां पे अधिकारी 11 बजे आते हैं, जबकि जैसे ही सरकार बनी थी सबसे पहला फरमान जारी हुआ था योगी सरकार का कि सारे अधिकारी 9 बजे से लेकर के बैठेंगे और 5 बजे तक अपने कार्यालय में रहेंगे, फरियादियों की फरियाद सुनेंगे और साथ ही साथ वहां पर उनको मौजूद 9 बजे पहुंच जाना चाहिए। ऐसे में आप देख सकते हैं कि उस समय आयुक्त के बारे में मैंने दिखाया कि 9:45 में वो रूम में नहीं थे। इसके बाद जब उन्हें जानकारी मिलती है कि वहां पर समाचार प्लस की टीम पहुंची हुई है, तुरंत ही आनंद फानंद में वो भाग करके आते हैं और कैबिन में बैठ जाते हैं। इसके बाद वो बताते हैं कि मैं 9:20 पे आ गया था, लेकिन मेरे कैमरे ने पहले ही दिखाया था कि 9:45 तक वो बिल्कुल भी रूम में नहीं। बिल्कुल, तो ऐसे अधिकारियों पर योगी जी को फौरन कार्यवाही करनी चाहिए, योगी जी को इन तस्वीरों को देखना चाहिए और ऐसे अधिकारियों पर कार्यवाही करनी चाहिए जो लेट लतीफ है और इनकी वजह से बाकी लोगों को मुश्किलें हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका तमाम जानकारियों के लिए।